नमस्कार बच्चों, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका टॉपिक है एग्जाम है पापा। अभी मार्च आने वाला है, फरवरी और मार्च में बच्चों का एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक इंटर लेवल तक का एग्जाम फरवरी माह में और मार्च माह में होती है और सभी को एग्जाम का टेंशन लगा हुआ रहता है। हर बच्चा कहता है अपने पापा मम्मी से कि एग्जाम आ रहा है। बच्चा भी टेंशन में हो जाता है, मम्मी पापा भी टेंशन में हो जाते हैं। आखिर एग्जाम का इतना ज्यादा डर क्यों? एग्जाम है एग्जाम को हम लोग इतना सीरियस नहीं लें। जो भी बच्चे हैं, चाहे वो 12th क्लास के बच्चे हों या 1 से लेकर के नीचे के क्लास के बच्चे हों, सभी एग्जाम को एज ए पर्व त्योहार कैसे मनाते हैं। पर्व त्योहार का हम लोग इंतजार करते रहते हैं कि आएगा, उसको हम लोग खुशी पूर्वक मनाएंगे। उसी तरह से एग्जाम आएगा, एग्जाम को हम लोग खुशी पूर्वक हैंडल करेंगे, खुशी पूर्वक देंगे, उसमें टेंशन लेने की क्या बात है। हाँ, एग्जाम में कुछ बातें होती है जिसको ध्यान में रखना है। बच्चों को सबसे पहले ध्यान में क्या रखना है कि आपका जो सिलेबस है उसको आप देख लीजिए कि हम सिलेबस को अच्छी तरह से कवर किए हैं कि नहीं। अगर सिलेबस अच्छी तरह से कवर नहीं हुआ है तो अभी समय है, 2-3 माह का समय है। उस समय में आप सिलेबस जो छूटा हुआ है, सबसे पहले जो पोर्शन आपका छूटा हुआ है उस पोर्शन को आप कंप्लीट कर ले, अपने शिक्षक की सहायता से या अपने मित्र की सहायता से, जिस रूप में आप पढ़ सके वो कंप्लीट कर ले। लेकिन कंप्लीट करें समझ के साथ, अच्छी तरह से उसको समझें और समझ करके उसके बाद जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप क्या करें, रिवीजन करें। रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन जब तक आप नहीं करेंगे, कहा जाता है कि रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है, उसी तरह से आपका एग्जाम आ रहा है, आप अगर रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में वो रस्सी कैसे निशान छोड़ जाती है, उसी तरह का निशान आपके दिमाग में आ जाएगा, उसी तरह का याद एक तरह से वो कैसेट बन जाएगा और जब भी आप उसको यूज करना चाहेंगे यूज कर सकते हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक का एक नियम है। बड़े बच्चे या छोटे बच्चे जो भी हैं, अपने दिमाग से को एकदम फ्री कर लें। एग्जाम नाम का कोई चीज अपने दिमाग में रखे नहीं कि एग्जाम आने वाला है। एग्जाम आने वाला है, ठीक है, मेरा काम क्या है, मेरा काम है पढ़ना, हम पढ़ेंगे, अपना 100% देंगे। हाँ, पढ़ाई के प्रति ईमानदारी बरतिए, 100% पढ़ाई के प्रति एकदम सच्चाई के साथ उसमें लगिए। आपका काम है पढ़ाई करना, अच्छी तरह से पढ़ाई करना। जो टॉपिक समझ में अगर आपको नहीं आ रहा है तो अपने गार्जियन से, अपने शिक्षक से, अपने ट्यूशन टीचर से उसको अच्छी तरह से समझिए और रिवीजन करके और उसको आगे की तरफ बढ़िए। लेकिन हाँ, इसके साथ जरूरत है कि आप समय समय पर टेस्ट देते रहिए, सैंपल पेपर है उसको बनाते रहिए। अगर आप नीचे क्लास के बच्चे हैं तो अपने सर से बोलिए कि चैप्टर वाइज, मान लीजिए जो चैप्टर की आप तैयारी कर चुके हैं उसको उनसे बोलिए कि वो टेस्ट ले लें, अब देखिए उसमें आपका कैसा प्रदर्शन है। अगर प्रदर्शन उसमें अच्छा नहीं है तो क्या कमी रहा उसको आप देखिए और उसको फिर सुधारने का प्रयास कीजिए। इस अवसर पर मम्मी पापा भी टेंशन में आ जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए? बच्चों को उन्हें तुलना नहीं करना चाहिए कि तुमको इतना नंबर लाना है। अगर उस प्रकार की बातें हो जाती है, तुलना करते हैं कि यार तुमको इतना नंबर लाना है, देखो एग्जाम आ रहा है, एकदम तुम बेकार में पढ़ाई नहीं करते हो, ऐसा करते हो, ऐसा करने से बच्चे तनाव में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं और जो बच्चा तनाव में दबाव में रहता है तो अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाता है। इसलिए उसको नंबर इतना लाना है ऐसा मत कहें, सीधा उनसे कहें कि बेटा पढ़ाई करो, एग्जाम आ रहा है, जो सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है उसको कंप्लीट करो, रिवीजन करो, अच्छा मार्क्स आएगा तब तुमको अच्छा स्थान प्राप्त होगा, तुम्हारा नाम होगा। इस प्रकार की बातें उनसे समझाएं, तुलना बिल्कुल किसी दूसरे बच्चे से न करें। हाँ, उसको गाइड करते रहें कि वो समय से पढ़ रहा है कि नहीं,
कहीं उसका व्यवहार मतलब पढ़ाई के प्रति रुचि ले रहा है कि नहीं, व्यवहार उसका कैसा है, कहीं हो सकता है कि कोई दूसरा एक्टिविटी में लगा हुआ है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है माता पिता को। हाँ, इस समय चूंकि पढ़ाई लिखाई का ज्यादा दबाव रहता है थोड़ा सा बच्चों पर, तो उसको खेलने का भी थोड़ा मौका दें, साथ ही साथ उसके साथ उसकी जो समस्या है उसको सुने, शिक्षक से प्रति समस्या, स्कूल के प्रति समस्या, और उसको दूर करने का प्रयास करें। इस समय शिक्षक का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, खासकर के ट्यूशन टीचर या जो प्राइवेट टीचर रखे हुए हैं पढ़ाने के बच्चों को, उनको ये देखना चाहिए कि बच्चा का कौन सा पक्ष कमजोर है, जो पक्ष बच्चा का कमजोर है उसे कंप्लीट करके और उसको टेस्ट लीजिए, और टेस्ट लेकर के बच्चा को देखिए कि सही ढंग से वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। अगर बच्चा उस रूप में सही ढंग से परफॉर्मेंस करता है तब सही है, उसको समय समय पर टेस्ट से पता चलते रहेगा। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि समय पर उसका सिलेबस कंप्लीट करें और उसको टेस्ट लेकर के उसकी कमी को जाने और जान करके उसको दूर करने का प्रयास करें। माता पिता भी टेंशन में न रहे, शिक्षक भी टेंशन में न रहे, बच्चा को एकदम फ्री कहें कि परीक्षा का कोई दबाव नहीं है, परीक्षा है ठीक है होगा। बच्चा को हम फिर से एक बार कहना चाहते हैं कि तुम अपना 100% दो, तुम्हारा काम है अपना 100% देना। 100% देने का मतलब मन से पढ़ना, मन से तुम अपना काम करना, ताकि ऊपर वाले का मन तुमको कितना नंबर आएगा ये दिमाग में कभी मत रखो, सीधे दिमाग में रखो कि मेरा काम है अच्छी तरह से पढ़ना, अच्छी तरह से लिखना, और बाकी जो दूसरे का काम वो अपना करेगा। परीक्षा का कोई दबाव नहीं, परीक्षा को एक पर्व की तरह मनाओ, और इसी के साथ तुम लोग सभी का परीक्षा आने वाले मार्च में सफल हो, अच्छी तरह से जाए। बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। थैंक यू।